हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। वेलकम बैक टू चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। हमने 4.2 का इंट्रोडक्शन सेक्शन भी कर लिया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसमें विजिट करिए, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि प्रॉपरली इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, उस पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने। ओके, तो अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट में हूँ, हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ओके, अब इनके हमें क्या फाइंड आउट करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है, जिसे हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में जीरोज भी बोलते थे। ओके, तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं क्या बोल रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। मैंने अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपको बताया है कि हमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करना होता है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन हो वो भी आ सके, है ना। तो 3 को हम कैसे स्प्लिट करें कि इसका 10 आ सके। तो अगर मैं इसे स्प्लिट करके देखूं, 5x लिखूं और 2x लिखूं, तो 5 2 10 हो जाएगा। इसका 1 है कोएफिशिएंट, तो मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो 10 1 10, तो 10 आना चाहिए था हमारे पास, है ना। तो 10 आना चाहिए था, तो हम इसको क्या कर ले, सबसे पहले फैक्टराइज कर ले, 2 5 10 एंड 5 1 1 अगेन। तो बचता क्या हमारे पास, 2 × 5 × 1, ये बचता है। तो 1 लिखने की तो जरूरत नहीं है, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 2 और 5 बचा। 2 और 5 बचा गाइस, तो हम सिर्फ 2 और 5 में ही स्प्लिट करके देख सकते हैं। हमें बीच वाला टर्म स्प्लिट करना होता है, तो हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, तभी वो 3 आएगा, है ना। तो अब हम वही करते हैं, 5x माइनस 2x करते हैं। लेकिन अब क्या हमें ये पता करना है कि माइनस साइन किसकी वजह से आएगा। माइनस साइन दिया है मतलब हमेशा कैपिटल वाले के, मतलब जो ज्यादा बड़ा होता है उसके बीच में माइनस, उसका साइन हम लेते हैं। तो अगर माइनस साइन लिया मतलब 5 के सामने वो माइनस साइन होगा, तभी उसने माइनस साइन लिया है। तो हमारा 3x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है गाइस, माइनस साइन माइनस 5 के कारण माइनस साइन आया है, क्योंकि बड़ा नंबर जो साइन कैरी करता है उसी साइन को हम भी कैरी करते हुए चलते हैं, है ना। तो हम इसको अब रीराइट करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। कोई डाउट नहीं होना चाहिए गाइस। अब यहाँ से जल्दी जल्दी कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स कॉमन निकला तो क्या हो गया, एक्स माइनस 5 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन निकला तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन निकल गया क्योंकि दोनों में, तो बच क्या जाएगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके गाइस, क्लियर है इतना। अब इतना होने के बाद क्या, इतना होने के बाद ये कि हम इसे क्या करें, 0 के नीचे डालते जाएंगे। अगर मैं सिर्फ इस टर्म को रखूं और इसको 0 के नीचे डाल दूं, तो क्या लिख सकते हो मैं, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 अपॉन x प्लस 2। तो ये टर्म तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये माइनस साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो x इक्वल्स टू क्या मिल गया, 1 5 मिल गया। ओके, इन द सेम बेसिस मैं यहीं से अगर इसको 0 पे डाल दूं, अभी मैंने 2 वाले को डाला था, अब मैं अगर इसे 0 के नीचे डाल दूं, ये वाले पोर्शन को, है ना, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 अपॉन x माइनस 5, जिसका मतलब भी क्या होता है, 0 ही होता है। तो क्या होगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 2। यहाँ पे प्लस साइन है, उधर जाके क्या हो जाएगा गाइस, माइनस 2 हो जाएगा। प्लस था तो माइनस में चेंज हो गया। तो हमें x की दो वैल्यूज क्या मिल गई, एक 5 मिल गया और एक क्या मिल गया, माइनस 2। दीज आर द आंसर गाइस, ये हमारे रूट्स हैं। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। हम क्या करते हैं, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। गाइस अभी माइनस को इग्नोर करिए यहाँ का। ओके, तो 12 हो जाएगा। इसको फैक्टराइजेशन बोला है गाइस, फैक्टराइजेशन से करने के लिए, तो फैक्टराइजेशन से ही कर रहे हैं हम। ओके, इसको फैक्टराइजेशन मेथड ही बोलते हैं। आगे और भी मेथड्स आएंगे, वो हम देखते जाएंगे आगे के एक्सरसाइज में। तो इसे हम अगर फैक्टराइज करें तो किससे करें, पहले प्राइम नंबर से ही करते हैं हम, है ना। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2, 2 6 12, अगेन 2 2 3 6 एंड 3 1 3। तो हमारे पास क्या आया, 2 × 2 × 3। अब ये आया तो गाइज ऐसे टाइप का एक एग्जाम्पल भी लिया था हमने, है ना। हमें बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है इनके अकॉर्डिंगली,
इनको यूज करते हुए हम बीच वाले को स्प्लिट करें ताकि उनका मल्टीप्लीकेशन हमें 12 भी मिल सके, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को ले लूं, मतलब 6 इंटू 2 ले लूं, तो 6 2 जा तो 12 आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन इनके बीच में प्लस या माइनस करूं, 2 माइनस 6 या 6 माइनस 2 प्लस 6 ऐसे करूं, तो ये एक आएगा माइनस 4, एक आएगा 8। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए यहाँ का कोएफिशिएंट क्या है? 1। हमें चाहिए 1, तो ये तो फॉलो नहीं कर रहे हैं गाइस, है ना। तो मतलब 2 और 6 भी फॉलो नहीं करेगा, तो हम क्या ले लें, दूसरा वाला पेयर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ये 2 2 जा 4 और एक ले लेते हैं 3। तो 4 और 3 अगर मैं लेती हूँ, उनके बीच में मैं प्लस करती हूँ तो 7 आएगा, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। हमको चाहिए क्या गाइस? 1 चाहिए कोएफिशिएंट, है ना। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, तो 4 माइनस 3 कर लिया 1, तो यस 4 माइनस 3 ही आएगा। तो माइनस करने से आएगा, एक तो 4x आएगा, एक 3x आएगा। अब माइनस साइन किसके में आएगा ये देखना पड़ेगा, हमें प्लस 1 है गाइस यहाँ पे, है ना। तो बड़े वाले साइन, बड़े वाले नंबर का ही साइन हम कैरी करते हैं, इसलिए वो प्लस 4 में आ गया और 3x में क्या आ गया? माइनस। तो अगर मैं इसे स्प्लिट करके लिख रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, 2x स्क्वायर, 1x को मैं क्या लिख रही हूँ, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? कॉमन निकालो जो जो निकल रहा है पहले इन दोनों में से, तो क्या निकल रहा है, 2x कॉमन निकल रहा है, बच्चे का क्या x प्लस 2, यहाँ से क्या माइनस 3 कॉमन निकल रहा है, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x प्लस 2 कॉमन निकला, तो क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। वैसे ही एक बार इसको 0 पुट करो, एक बार इसको 0 पुट करो, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज x इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, माइनस 2। और यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो माइनस 3 इधर जाके प्लस 3 हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, 3/2। तो हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई गाइस, ये सेकेंड इक्वेशन के लिए भी, एक क्या आया x इक्वल्स टू माइनस 2 और एक क्या आया 3/2। ये दोनों आपका आंसर है, ये दोनों क्या है गाइस, रूट्स है। गाइस ये क्वेश्चंस देख के डरिए मत, ये थर्ड पार्ट को, ये काफी इजी जाता है गाइस, बस दिखने में ही थोड़ा सा डरावना सा होता है। ओके तो चलिए देखते हैं, हम वही अपना अगर पैटर्न कंटिन्यू रखते रहेंगे, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में भी दिक्कत नहीं होगी। ओके तो पहले क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो रूट टू इंटू रूट टू कितना होता है गाइस, 2 होता है, ये हमें पता है। तो रूट हमें मल्टीप्लाई करना है क्या है, 5 इंटू रूट टू इंटू रूट टू, ये आएगा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू टू रूट टू, और रूट टू कितना होता है 2, तो 5 टू जा कितना हो गया 10, 10 मिल गया हमें, 10 आना चाहिए हमारे पास आंसर। अब 10 को हम फैक्टराइज करें अगर, तो क्या होगा, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, ठीक है। तो हमें फैक्टराइजेशन क्या मिला, 2 इंटू 5 मिला। अब सिर्फ 2 और 5 से हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो कर लेते हैं हम। 2 और 5 को हम अगर प्लस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो हम प्लस 5x और प्लस 2x लिख सकते हैं, है ना, या फिर आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, प्लस 2x या फिर प्लस 5x, कुछ भी लिख लो। तो हम अगर इसे रीराइट करें तो क्या लिखेंगे, रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। ओके अब कॉमन कैसे निकाले इसमें से, ये दिक्कत है ना। तो अब इसमें जो भी 2 वाला टर्म है उसको रूट टू कर दो, क्योंकि हमें रूट टू ही चाहिए। इसे दो बार रूट टू एक्स लिख सकती हूँ मैं, रूट टू इंटू रूट टू एक्स, यहाँ से तो 5 कॉमन चाहिए तो 5 निकल ही जाएगा, है ना। तो ये इजी हो गया। चलो तो अब यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, रूट टू एक्स कॉमन निकल रहा है, यहाँ से एक एक्स बचेगा और यहाँ से सिर्फ एक रूट टू बचेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, दोनों जगह से 5 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से एक x बचेगा और यहाँ से एक क्या बचेगा, रूट टू बचेगा। कोई डाउट नहीं है गाइस? अब कॉमन निकाल लिया है तो फिर x प्लस रूट टू भी है, तो उनको भी कॉमन भी निकाल लो। तो ये कॉमन निकला और ये क्या हो गया, रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब हम जो करते हैं वही कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसे इक्वल्स टू 0 के लिए पुट करते हैं, तो x प्लस रूट टू इक्वल्स टू 0 एक आएगा और एक क्या आएगा, रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इधर से क्या आएगा, x इक्वल्स टू माइनस रूट टू, ये एक x की वैल्यू मिल गई, और इधर से क्या आएगा, रूट टू एक्स इक्वल्स टू माइनस 5, सो x इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन रूट टू, दिस इज सेकेंड वैल्यू। तो एक x की वैल्यू माइनस रूट टू मिली, दूसरे x की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस 5 अपॉन रूट टू। दिस इज द आंसर फॉर द इक्वेशन नंबर 3। गाइज देख के, क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं है, आपका जो प्रोसेसर है
वो आप फॉलो करते जाएंगे तो आपका आंसर जरूर आएगा अगर आप करेक्टली कर रहे हैं तो। चलिए फोर्थ वाला पार्ट लेते हैं। फोर्थ वाला क्या है, 2x² - x + 1/8 = 0। अब ये 1/8 है ना, ये तो फ्रैक्शन में है, बाकी सब तो नॉर्मल नंबर्स हैं, ये फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई बाय 8 कर देते हैं। ओके, तो अगर मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूं और 0 को भी मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये 16x² - 8x + 1 = 0। अगर आप ऐसे ना समझ के ये समझना चाहें कि हम एलसीएम लेके कर रहे हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम टोटल कितना आ जाता है, 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 8 16x² 1 है, तो फिर ये कितना आ जाएगा, 8x + 1 = 0। अब ये 8 इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या मिल गया, 16x² - 8x + 1 = 0 मिल गया हमें। ये एक क्या मिल गया हमें, हमें मिल गया क्या, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब ठीक है, प्रॉपरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्योंकि हम क्या पढ़े हैं, जिसकी भी डिग्री अगर हमारी 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता ही है ना, तो फिर ये एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके रूट, तो हम क्या करेंगे, 16 × 1 = 16, इसका फैक्टर निकालो, 2 8 16 2 4 8 2 2 4 and 2 1 2, कितना आया, 2 × 2 × 2 × 2। अब इनको ऐसे कुछ करना है कि मल्टीप्लीकेशन में तो 16 आएगा ही, लेकिन स्प्लिट किसको कर रहे हैं, माइनस 8 को। अब माइनस 8 को स्प्लिट करें तो कुछ ऐसा करें कि इधर से भी क्या है, 8 आए, तो अगर मैं इसको 4 4 कर दूं, -4 - -4, तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, है ना। तो चलो कर देते हैं, इसको हमने कैसे स्प्लिट कर दिया, -4x - 4x, तो माइनस माइनस प्लस होता है और साइन तो माइनस का ही लगेगा, तो -8x हो जाएगा, क्लियर। 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। आई होप गाइस कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे, है ना। तो चलिए यहाँ से कॉमन निकालते हैं, क्या कॉमन निकलेगा, 4x कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, 4x - 1, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, -1 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे क्या होगा, 4x - 1 = 0। क्लियर है गाइस, माइनस कॉमन, माइनस के साथ हमने कॉमन निकाला तभी यहाँ पे 4x बन पाएगा, और इधर वाले में माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता है ना। तो चलो इसको हम रीराइट कर ले, तो क्या आएगा, 4x - 1 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 4x - 1 सेम बच रहा है गाइस, तो आंसर वैल्यू x की सेम सेम आएगी, है ना। तो 4x - 1 = 0, पहले इसके लिए, फिर इसके लिए भी क्या होगा, 4x - 1 = 0, तो क्या होगा, 4x = 1 x = 1/4, ये 1 से वैल्यू आया तो यहाँ पे भी सेम आने वाला है, तो x = 1/4, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है, तो x की वैल्यूज कितने हैं, 1/4 and 1/4, दीज आर द रूट्स ऑफ अ इक्वेशन नंबर 4th. चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट क्या है, 100x² - 20x + 1 = 0, है ना। हम क्या करते हैं, ये वाला टर्म और ये वाले टर्म को क्या करते हैं गाइस, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर लेते हैं 100 × 1 = 100, फिर उसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 5 = 10 और ये 0, ओके, 2 25 = 5 5 = 1, तो क्या मिला हमें, 2 × 2 × 5 × 5 मिला हमें। स्प्लिट किसको करना है गाइस, 20 को, इन सब का यूज करके, है ना। तो यूज करते हैं, अगर मैं 2 5 = 10 और 2 5 = 10 लिखूं, मतलब 10 + 10 करूं तो ही 20 आता है, है ना। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है गाइस, तो दोनों में क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस, तो इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, -10x - 10x, ओके। तो कितना हो जाएगा, ये रीराइट कर लेते हैं, 100x² - 10x - 10x + 1 = 0, ओके। तो अगर मैं इसमें कॉमन निकाल रही हूँ, तो कॉमन क्या निकलेगा, पहले 10x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ से -1, क्लियर है, यहाँ से 10, अच्छा यहाँ पे 10x बचेगा गाइस, क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होके 100 होता है ना, तो 10x = 10x बाहर, और ये ब्रैकेट में क्या होगा, 10x - 1, इधर क्या बचेगा, -1 निकाल लिया, और इधर 10x - 1 = 0, क्लियर है। तो ये कितना हो गया, 10x - 1, और ये कितना हो गया, 10x - 1, दोनों सेम है गाइस, तो x की वैल्यू सेम आएगी यहाँ से, ये तो क्लियर पता चल गया है। तो 10x - 1 = 0 और 10x - 1 = 0,
सो 10x इक्वल्स टू 1, सो x इक्वल्स टू 1 अपॉन 10, यहाँ पे भी 10x इक्वल्स टू 1, सो x इक्वल्स टू 1 अपॉन 10, हमें x की दोनों वैल्यूज मिल गई है, x की दोनों वैल्यूज क्या मिली, एक 1 अपॉन 10 मिली है, दूसरा भी क्या मिला है 1 अपॉन 10, दिस इज आवर आंसर गाइज, ये हमारे आंसर रूट्स जो है निकल चुके हैं सारे इक्वेशंस के, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे. स्टूडेंट सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्पल में भी हैं, आप ट्राई जरूर करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा. गाइज अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. थैंक यू.